के साथ स्वाति मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर के मुआना से आ रही है, जहां जेडीए के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। जी हम आपको बता दें कि एक इमारत के अवैध तरीके से सील तोड़कर इस्तेमाल करने का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि जेडीए के इतिहास में पहली बार बड़ा एक्शन लिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जेडीए की संपत्ति को चोरी करने और आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले में बिल्डर और उसमें रह रहे 7 रहवासियों के खिलाफ मुआना थाने में ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया है। अवैध इमारत पर लगाई गई सील को तोड़ने के मामले में जेडीए का बड़ा एक्शन आया है। जेडीए के इतिहास में पहली बार बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, सील तोड़ने और इमारत को उपयोग में लेने का ये मामला है, जिसमें पहली बार जेडीए की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। जेडीए संबंधित बिल्डर और उसमें रहने वाले 7 रहवासियों के खिलाफ मुआना थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जेडीए की संपत्ति चोरी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया है। प्रकरण भूखंड संख्या 18, स्वर्ण हाजियाबाद सांगानेर में सेटबैक बिल्डिंग बॉयलॉस का उल्लंघन कर 5 मंजिला इमारत बनाई गई थी, जिसे जेडीए ने 30/9/2019 को सील कर दिया था। तब जिसके बाद तथाकथित बिल्डर ने इसे सील में तोड़कर उपयोग लिया, जिसके बाद जेडीए ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला को दर्ज करवाया है।